कि क्या वास्तव में किसान आंदोलन दोबारा खड़ा हो सकता है? 3% के बजाय 6% की मांग थी खिलाड़ियों की और उन्होंने जड़ से ही खत्म कर दिया खिलाड़ियों का। मैं सबसे ज्यादा फैन हूँ फौजी भाइयों का, फिर अपने किसान और फिर हैं खिलाड़ी, तीनों देश की रीढ़ गड्डी है भाई साहब। ये देश का नाम चलाती है आगे, ना कि राजनीति चलाती है। अरे खिलाड़ी तो देश की सैनिक का तो बड़ा हो, छह नहीं इसका तो 15% कर दो वो बढ़िया है। अरे तो जड़ते खत्म कर दिया कोटा, ये बहुत ही गलत है। अरे ये बात है ना सरकार के लिए बहुत गलत साबित होने वाली है। डमडुमू दे दे वो खेल जाएंगे, हम अपना काम करी जाओ, मतलब और किसी ने देश ने और किमें दे जाओगे तो देश उसमें ला गया रहेगा, रोड़ा पुथरे जाएगा, अर्थ हम अपना तरीका तो कुछ भी। हम पीछे क्यों हटगे सरकार से? इस सरकार की नीतियां हटगे तो किसानों के साथ किया बिल्कुल हटगे, अब खिलाड़ियों के साथ करने लग रहा है। हम जावा जावा कित भाई, कोई है? कोई है भाई सुनने वाला इस सरकार में? कोई भी हो तो बताओ भाई, मैं तारी आवाज बन रहा हूँ, मैं तारी सुनवाई करूंगा। खिलाड़ी भी रोड पे है, किसान भी रोड पे, और जवान जवान का तो आपने पता है सारी बात का। कल बात क्यों मेरे बसारी को हुआ, मारा हरियाणा के एक तरफ मेडल और पूरे हिंदुस्तान के मेडल एक तरफ, वहां पर कोटा बंद। अब आप एक बात बताओ, राजस्थान सरकार में जाते हो आप, वहां पर खिलाड़ियों की देखो नेशनल में मेडल आ जाता है तो नेशनल में रहते तो भी इंस्पेक्टर पद मिल जाता है साहब, नौकरी है वहां पर है राजस्थान सरकार में, पता हो आपको। और आड़ है, आपने एक वीडियो देखी होगी इससे पहले की वीडियो, एक ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ी डी ग्रुप की नौकरी के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है क्या? राजस्थान में जाके है, हरियाणा में जाके है, हरियाणा के जितने मेडल लाओ है उनके लिए तो यह काम हो रहा है, पर हरियाणा राजस्थान में अगर कोई नेशनल में चला जा उसने नौकरी मिलने लग रही है। एक परम थी वह के नाम का वह बना रखी थी खेल की के बनाई थी, हाँ उदन तो नुक थी ब्लैक खालिस्तानी से, ये टुकड़े टुकड़े गैंग से हमने तो आंदोलन जीत की दिखा दिया है। और ये आपकी सरकार है खेल कोटा में के कर दिया है को जवाब है के को जवाब? और इस तो पहले गई वीडियो देख लियो जाके, ओलंपिक का मेडलिस्ट डी ग्रुप की नौकरी मांगा है ये काम करने खातर, ये खिलाड़ी हो? अगर तुम खिलाड़ी की आवाज नहीं उठा सकते तो फिर की कर? और फिर क्या कहोगे हम खिलाड़ी हैं टीवी पर जाके नकाल मारने दे क्यों है? कोई खास एमएलए विधायक थे तो वो भी कहीं ना कहीं समर्थन वापस दे दिया बीजेपी को उन लोगों ने, सोमवीर सांगवान वो बीजेपी पार्टी में चला गया। तो मेरे नजरिए तो भाई ने गलत काम किया, आपने खुद ही तो यह बात बताई अगर सरकार ऐसी है ये सरकार वैसी है, अपने मुंह तो इसकी खिलाफत करो भाई साहब और फिर इसी सरकार में फिर जाओ। ये बिल्कुल गलत किया है सोमवीर सांगवान ने, और मेरी एक अपील है सांगवान खाप से, अगर ये बीजेपी में चलाया गया है तो अब इसका खाप में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसको प्रधान पद से हटाया जाए, इसने चेयरमैन या मंत्री बना दे बीजेपी वाले बना देंगे, खाप में इसका कोई अधिकार नहीं रहना चाहिए। अगर इन दिखा ना सरकार तो यून क्या होगी तो उनके टट्टे रोड में आ जाएंगे जी, उनकी आओगे तो उनके रोड में आ जाए, क्यों जाए काम कर लो तारा खुद का वजूद बना लो, एक जगह रहो उड़े तो जीती जाओ, काम करोगे तो जीतोगे ना, ये तो इनमें कमी रहो, काम करे कौन ही दूसरी पार्टी का सारा ले जाएंगे उनकी आश का खाली, ये दल बदल लेता है इनका भी थोड़ा हिसाब किताब। हाँ सरकार तो इनने की है, चेयरमैन इनका, एमएलए इनका, अच्छा बीडीसी चेयरमैन है वो इनका, अरे भाई सांसद इनका, अरे घोटाला भी इसी सरकार में लगे तो किसी ने कहा। चलो पहले चुनाव आए यूपी पंजाब और ये दो चार स्टेट में तो उन्होंने थोड़ा लैप्स कर दिया, उस समय सरकार बैकफुट पे चली गई और आपसे बड़े बड़े वादे भी किए थे, तो ना तो कोई आमिश कानून का अब तो कोई जिक्र हुआ, ना कोई आपका कोई कानून बना, ना कोई आपकी गारंटी आई, ना कोई आपकी कुछ नहीं वो जो कि तू, और ना कोई सरकार की तरफ से किसी नेता का, बड़े नेता का, कृषि मंत्री का, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी का कोई बयान नहीं आया उसको लेकर। खिलाड़ियों की बात नहीं मानी गई ना तो ये भी बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है भाई साहब, आपको पहले बताता हूँ, सरकार को मैं सूचित करना चाहता हूँ ये बात, क्यों खिलाड़ी किसी को मजहब धर्म के नहीं होते, वो खिलाड़ी देश के होते हैं, मेडल लेते हैं देश के लिए लाते हैं, वहां पर ना जब मेडल लेता खिलाड़ी तो तिरंगा सबसे ऊंचे चलता है, तो ये हमारे सबसे ऊंचे हैं भाई खिलाड़ी। अजय चौटाला ने तो बीमारी भी बताया आप लोगों है, बीमारी भी तो बोला है आप लोगों हमको किसानों को बीमारी, हाँ भाई अब बीमारी दिखती है भाई, क्यों वोट ले गए ना, वोट ले गए मर्द, ये बीमारी है तो ये पब्लिक है, ये बताओगा कौन है बीमारी, वोट लेने जाओगे ना लोगों का अर्थ उड़ जाओगे, ये खुशड़े बताओ आप बीमार हैं इनका है।
तो फिर कुछड़े क्यों लग गए इनका? ये तो इनकी बात खराब कर रहे हैं। वोट लेने जाऊंगे ना जब तो पैम मारेंगे डाई सीधी और फिर सरकार आ जाए फिर ये बीमारी बताने लग जाए पब्लिक ने, जब भी इनके खुशड़े लग गए हैं। अच्छा काम है बीमारी बताओ और खुशड़े खाओ। पंजाब ना हरियाणा लेने कौन था? सारे बैठ के हरियाणा ने तोड़े हैं अपने भाई, अगर सारा सुधम अपने भाई आगे पंजाब आड़ आ गया, इतनी की भी कमी कौन जान दिया हरियाणा ने? दूध दी दही घी लाशी सब कुछ अगर वगैरह पेंट पेंट ना तो पंजाब एक लाख कर ले भाई। हमारा बड़ा भाई है पंजाब, हरियाणा छोटा भाई है, दोनों भाई रल मिल की आंदोलन जीता अच्छे लागे। आज देखो बीजेपी क्या हालत कर दी पंजाब में है, और यो काम हरियाणा में होने वाला है। आप देख रहे हरियाणा न्यूज 24 जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज रोहतक में, और हमारे साथ एक खास मेहमान उपस्थित हैं जो समय समय मांग उठाते हैं, किसान आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहे हैं और कंधे से कंधा मिला के हर संभव कोशिश करते हैं आम जन की मदद, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ये पहुँच ही जाते हैं अक्सर। तो मेरे साथ तस्वीरों में हम दिखा देते हैं, आप सब जानते भी बड़ी बात ही कि किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है, आप तस्वीरों में बड़ी बात ही देख चुके हैं। हमारे साथ सुंदर पहलवान हैं भिवानी जिले से और ये बावड़ा से, तो खास बातचीत कई मुद्दों पे होगी आज, क्योंकि एक तरफ तो सरकार ने खिलाड़ियों को 3% कोटा तोड़ दिया गया है, तो खिलाड़ी कहीं ना कहीं वहीं काफ़ी तरसते हैं, दुखी हैं और सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। दो चार रोज पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन पहलवान साहब ने किया था भिवानी के अंदर, उसमें सैकड़ों प्लेयर भी साथ थे, विजेंद्र बॉक्सर भी उस आंदोलन में शामिल थे। तो अब ये उस आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं और सरकार के बारे में इनका नज़रिया क्या है, और किसान आंदोलन जो मांगे जो सरकार ने कही थी MSP कानून वगैरह जो, तो कुछ समय दिया था लेकिन वो समय भी निकल चुका है, सरकार का कहने की कोई ठोस कदम या कोई जवाब नहीं आया है। तो वो जाने के क्या वास्तव में किसान आंदोलन दोबारा खड़ा हो सकता है इतना बड़ा? तो सुंदर पहलवान का नज़रिया क्या है, क्या इतना बड़ा आंदोलन दोबारा हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्यों, कैसे होगा? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं हो सकता, ये भी जानेंगे साथ साथ, और कई विषय पर बातचीत होगी, क्योंकि पहलवान साहब ने कई लोगों पर बड़ा भरोसा किया था और उनकी मदद भी की थी, लेकिन वो लोग भी कहने के सरकार में जा चुके हैं। अब उनके बारे में इनसे बातचीत करेंगे, उन लोगों के बारे में कि क्या थोरी और क्या सोचते हैं। पहलवान साहब हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो बिल्कुल भाई साहब आपका भी और जितने दर्शक देख रहे हैं सभी भाइयों को राम राम भाई। पहलवान साहब सबसे पहले तो मुझे यह बता दीजिए, खिलाड़ियों का मुद्दा ले लेते हैं हम, सभी खिलाड़ी सड़कों पे हैं, आपने बहुत बड़े एक आंदोलन भी किया था और एक पैदल यात्रा निकाली थी भिवानी के बार बार, तो नामी गिरामी प्लेयर इकट्ठे हुए थे वहाँ पे, जो विजेंद्र बॉक्सर जैसे, और सैकड़ों खिलाड़ी थे आपके साथ। तो क्या लगता है सरकार ने कहीं ना कहीं ये कैचे चला के आपके नज़रिए से खिलाड़ियों का मोरल डाउन तो नहीं हो रहा इस तरीके से, या फिर किस तरीके से आप सरकार को क्या कहेंगे कि 3% की बजाय 6% की मांग थी खिलाड़ियों की और उन्होंने जड़ से ही ख़त्म कर दिया खिलाड़ियों का, तो क्या लगता है क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखो भाई लंबा साहब, खिलाड़ी होता है देश की शान जी। एक तो खिलाड़ी, मैं सबसे ज़्यादा फैन हूँ फौजी भाइयों का जी। फिर अपने किसान जी। और फिर हैं खिलाड़ी जी। तीनों देश की रीढ़ गड्डी हैं भाई साहब, ये देश का नाम चलाती हैं आगे, ना कि राजनीति चलाती है। जवान, किसान और खिलाड़ी भाई हैं, हकीकत है, तीन स्तंभ है। और अगर खिलाड़ियों का कोटा खत्म कर दिया, इससे नू देखो खिलाड़ियों पर कितना असर पड़ेगा भाई साहब, इनको बढ़ाना चाहिए था। आप एक बात बताओ, खिलाड़ियों को दिया जाता है या खिलाड़ियों से लिया जाता है? खिलाड़ियों से बताओ, खिलाड़ियों को दिया जाता है भाई। कितने दंगल होते हैं, कितने टूर्नामेंट होती है, वो किस लिए होती हैं? ताकि बच्चों का हौसला बढ़े, उनको प्रोत्साहन किया जाए, उनको नाम दिया जाता है। गांव में दंगल होते हैं, इसीलिए दंगल होते हैं ताकि भाई खिलाड़ी ना करके आओ, उनको नाम दिया जाए, उनका हौसला बढ़े। अरे ये हौसला ना तोड़न लग रहे हैं। अरे कि खिलाड़ी तो देश की शान का तो बड़ा हो, छः नहीं इसका तो 15% कर दो, वो बढ़िया है। अरे तो जड़ते ख़त्म कर दिया कोटा, ये बहुत ही गलत है। अरे ये बात है ना सरकार के लिए बहुत गलत साबित होने वाली है। आपने आंदोलन किया था बहुत बड़ा, दो चार रोज पहले, नामी गिरामी खिलाड़ी थे, इतना बड़ा आंदोलन का आंदोलन, तो अगर ये सरकार नहीं मानी तो आंदोलन होगा तो होगा आंदोलन, ये तो छोटा तैयारी चल रही है। एक छोटा टेलर था, ये तो विजेंद्र बॉक्सर भाई थे, अपने बड़े भाई साहब हैं बहुत, जो देश के हीरो हैं, जिनका देश ओलंपिक में मेडल है, वो रोड पा गया, रोड पा के वो प्रदर्शन करता है,
ये शर्म की बात है, नहीं तो सरकार को ये चाहिए। विजेंद्र भाई क्या बात इधर आ, आप देश के मान खिलाड़ियों में से, विदेशों में भी आपकी गिनती की जाती है, दिक्कत बता परेशानी क्या है भाई, वो बताएगा ये परेशान। अरे आरक्षण है तो 3% दे दो कोटा, 3 की तो था ये 6 कर दो, 3 हाँ ये जड़ता है समाप्त कर दिया। मतलब के है खिलाड़ी भी दुश्मन, दुश्मन हो गए ना के तो खिलाड़ियों के लिए बैर भाव क्यों किस बात के लिए भाई। अगर करना है तो नेता लोगों की तनख्वाह घटा दो जी, मेन बात तो यह है। उनको तो बढ़ावा दे रहे हैं, खिलाड़ियों को घटावा दे रहे हैं, और फिर क्या कहेंगे। अरे एक हरियाणा की बात को नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। इनका कोटा है ना जो है वो इनका है, वो दे दो भाई, इसमें फ़ायदा है ना, तो आंदोलन भी होगा, खिलाड़ी भी इकट्ठे होंगे। यो एक काम रहेगा कि हमारा सड़क कहाँ पर वहाँ, अगर यो सोच रखी हो सरकार ने अगर इन तो कि मैं वो डम डुमू दे दो खेले जाएंगे, अर्थ हम अपना काम करी जाओ, मतलब और किसी ने देश ने और कि में दे ही जाओगे, देश उस मल्ला गया रहेगा, रोड़ा पुतरी जाएगा, अर्थ हम अपना तरीका तो कुछ भी, ये गलत बात है। वैसे पिछले 7 साल से तो ये देखने को मिल रहा है, सड़कों पर ही घूम रहे हैं सभी, पहले जाट आंदोलन, फिर किसान आंदोलन, अब ये खिलाड़ियों का आंदोलन, तो कहीं ना कहीं लगता है मुझे 7.5 साल में सड़कों पर ही घूम रही है जनता। आप एक बात बताओ भाई साहब, आप बीजेपी के आदमी का भी करो, सब जगह घूमते हो आप, आप एक बात बताओ, एक पत्रकार नहीं हो आप, मेरे भाई हो बड़े, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तीनों में से एक भी गलत, मतलब तीनों में से एक भी गलत बता दो क्या। नहीं कोई गलत नहीं, अपनी मांग थी और वाजी मांग, ये तो बात है। अपने किसान आंदोलन में 750-750 किसान शहीद हो गए, और फिर अपने प्रधानमंत्री साहब के कहे हैं भाई हमारे से भूल चुक होगी नू हो गया बोला। अरे ये बात पहले कह दी, ये नौबत एक होनी हुई, देश ने आपको वोट दिया था, हमने भी आपको वोट दिया था, इसीलिए तो दिया था भाई, कुछ देश का उद्धार करेगा। हम पीछे क्यों हट गए सरकार थे, इस सरकार की नीतियां तो हट गए, जो किसानों के साथ किया बिल्कुल हट गए, अब खिलाड़ियों के साथ करना लग रहा है, हम जावा जावा कित भाई, कोई है, कोई है भाई सुनने वाला इस सरकार में, कोई भी हो तो बताओ। अब भाई मैं तारी आवाज़ बन जाऊँ, मैं तारी सुनवाई करूँगा, खिलाड़ी भी रोड पर है, किसान भी रोड पर है, और जवान, जवान का तो आपने पता है सारी बात का, कल बात कि मेरे पर सारी हुआ वो तो अंधेर नगरी चौपट राज यही है भाई। मैं खिलाड़ियों को लेके मैं जानना चाहूँगा, कोई रूपरेखा तैयार की है आपने, आगाज तो आपने कर दी भिवानी से और पूरा भारत ने देखा भी है वो, तो अभी कोई रूपरेखा तैयार की है कि खिलाड़ियों को साथ लेके मैदान में ये प्लानिंग इस तरीके से उतरेंगे, सरकार को घेरेंगे। बड़े भाई मेरा क्या बात है, अपने बड़े भाई विजेंद्र बक्सर ने यह सिस्टम तैयार कराया, पहले उसका सिस्टम था भिवानी में, अभी उसी का सिस्टम भाई का। विजेंद्र ने मेरे पास फोन किया, सुंदर भाई ऐसे है आपको आना है, हम आगे, और बात भाई की बिल्कुल जायज़ है, खेल कोटा बंद नहीं होना चाहिए है, तो हम भाई के साथ खड़े हैं, और अब हम अपने जितना हमारा सर्कल है सबको बताएंगे, और सरकार मान गई तो ठीक है, ना तो भाई आंदोलन की तैयारी तो है ही। पहले सब बात है भाई साहब, जायज बात है वो तो आपके, उस दिन भिवानी में इतने बड़े संख्या में खिलाड़ी जो इकट्ठे हुए, तो इससे ऐसा लगता है कि काफी बड़ा आंदोलन होने वाला है खिलाड़ियों का भाई, अगर ये काम करेंगे काफी गुस्सा दिखा खिलाड़ियों को है नहीं, अगर किसी के साथ कोई गलत काम होगा तो गुस्सा तो होगा। खिलाड़ी देश की शान होती है भाई, इनका कोटा खत्म करना बिल्कुल ही खिलाफत है, खिलाड़ियों के नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे खिलाड़ियों का तो कोटा बढ़ाना चाहिए। जब आप ये कहते हो हमारा हरियाणा के एक तरफ मेडल और पूरे हिंदुस्तान के मेडल एक तरफ, वहाँ पर कोटा बंद। अब आप एक बात बताओ, राजस्थान सरकार में जाते हो आप, वहाँ पर खिलाड़ियों के देखो नेशनल में मेडल आ जाता है तो नेशनल में होता तो भी इंस्पेक्टर पद मिल जाता है साहब, नौकरी है वहाँ पर है राजस्थान सरकार में, पता हो आपको। और आड़े आपने एक वीडियो देखी होगी इससे पहले की वीडियो, एक ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ी डी ग्रुप की नौकरी के लिए मजबूर हो रहा है, कि क्यों हो रहा है क्या, राजस्थान में जाके है, हरियाणा में जाके है, हरियाणा के जितने मेडल आए हैं उनके लिए तो यह काम हो रहा है, और हरियाणा और राजस्थान में अगर कोई नेशनल में चला जा उसने नौकरी मिलने लग रही है। अब आप ये सोचोगे भाई वहां सरकार उसकी है वहां सरकार, अरे हमने सरकार तो कोई मतलब कौन है, हमें तो इनके काम में तो मतलब है, अच्छे काम जो भी करेगा ना हम उसके साथ हैं। सब अच्छा करेगा कौन, कांग्रेस आई फिर बीजेपी आई, अब आम आदमी आ जाएगी, फिर चौटाला आ जाएगा, फिर भजन लाल आ जाएगा, नीति तो कहीं कहीं मिला जुला के सबकी एक जैसी दिखी, अच्छा है कौन। नीति की बात बताऊं कुछ, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं भाई, कुछ काम खिलाड़ियों की तो मैं
भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने करा है। ये सच्चाई है, दीपेंद्र भाई ने करे हैं इनको सरकार। जो कही है जो बीजेपी में बाज गई, जाहिर है नहीं भाई थी धोखा देगी, दीपेंद्र भाई साहब थे धोखा देगी, जो बीजेपी में बाज गए जो डीएसपी बना दिए थे उन तनु पूछना चाहिए भाई वो डीएसपी बने हो किसने बनाए थे। अब उन खिलाड़ियों खतर जो सरकार में बैठे हैं वो आदमी वह खिलाड़ियों के लिए क्या कर रहे हैं, उनके आँख नाक के नीचे खेल कोटा खत्म किया जा रहा। एक अपहरण थी वह के नाम का बबीता, हाँ वह बना रखी थी खेल की के बनाई थी, हाँ उदन तो नुक थी ब्लैक खालिस्तानी से ये टुकड़े टुकड़े गेंग से हमने तो आंदोलन जीत की दिखा दिया है। और ई आपकी सरकार है खेल कोटा में के कर दिया है को जवाब है के को जवाब। और इससे पहले में गई वीडियो देख लियो जाकी ओलंपिक का मेडलिस्ट डी ग्रुप की नौकरी मांगा है ये काम करने खातर, ये एक खिलाड़ी हो अगर तुम खिलाड़ी की आवाज़ नहीं उठा सकते तो फिर की कर। और फिर के कहोगे हम खिलाड़ी हैं टीवी पर जाके नकाल मारना तो क्यों है, टीवी पर जाके ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे सरकार तो आने जाने चीज है, सरकार फिर दूसरे क्या होगी, दूसरा गलत करेगा हम वहाँ पर भी खिलाड़ियों के साथ खड़े पाओगे लामा साहब, फिर आदमी की पहचान होने लग रही है कौन कितना करे है। हाँ फलन साहब कुछ खास दोस्त थे आपके, कोई खास एमएलए विधायक थे तो वो भी कहीं ना कहीं समर्थन वापस दे दिया बीजेपी को उन लोगों ने, और आप बड़े नज़दीक रहे उनके, बड़ी सपोर्ट करी आपने, तो क्या बात है पहलवान साहब कुछ ऐसा लगता है आपको गलत किया या सही किया? देखो भाई सीधा नाम ही बता दे, मैं नाम बता दिया रहा हूँ भाई, भाई अपने सोमवीर सांगवान वो बीजेपी पार्टी में चला गया जी। तो मेरे नज़रिए तो भाई ने गलत काम किया, मेरे पास फ़ोन करता आधी रात ने भाई सुंदर ऐसा काम करना है, मैं भाई के लिए हरदम तैयार रहता। लांबा साहब आपको ही पता है बलराज कुंडू की रिश्की जो भी थी मैंने दोनों भाई को मिलाने का काम किया, जब भी प्रोग्राम करता माँ भाई बलराज भाई ने बुला लो क्यों, ये दोनों किसान आंदोलन में ये दो थे जो सरकार छोड़ के आ रहे थे अपना दो, मैं सब नो सोचू था अग भाई मारा भाईचारा इकट्ठा रहो सारा जितने किसान आंदोलन के सहयोगी एक रहूँ भाई। मैंने पूरी कोशिश करी फिर भी आधी रात ने नुकंदा भाई सुंदर यो काम है भाई उड़े पंचायत में गाड़ी लेके जानी है भाई यो काम करना है नू करना है। आज तक मैंने भाई के लिए कोई धोखा नहीं करा, दंगल करवाया तो भी मैंने कितना ना टोल पर दंगल करवाया। और सोमवीर भाई साहब मैंने चीफ गेस्ट बनाए, सिर्फ नू मनवाए ना मैं अपने काम में दंगल करवा सकूँगा, इसलिए मनवाए ताकि एक देख खाप का प्रधान होने के नाते अरे मारा बड़ा भाई किसान आंदोलन में चेयरमैन पद का लात मार के हमारे पास खड़ा है तो इसको तवज्जो देनी जरूरी है ताकि नू ना सोचे अग देख भाई किसान मेरा की करा जी, मारे मेरा मकसद था यो। फिर जब मेरे दौर ये खबर आई मेरे दौर फोन आने शुरू हुए, हाँ भाई उतरा भाई भाई कराया करता रोज आज बीजेपी में चला गया तो बड़ा दुख होया है भाई, बहुत ही दुख होया है। अब कई भाई नु कह दें भाई चला गया तो ठीक से भाई वो तो बस किसान आंदोलन ती था किसान आंदोलन खत्म हो लिया ये वो चला गया, भाई किसान आंदोलन की बात को न लिया, बात ये मेरा की है आपने आप इस पार्टी में आए आपने खुद तो यह बात बताई अगे सरकार ऐसी है ये सरकार वैसी है आपने मुंह तो इसकी खिलाफत करो भाई साहब और फिर इसी सरकार में फिर जाओ हो। अरे आप एक खाप के प्रधान हो मौजूद आदमी हो वो चेयरमैन पद का पद छोटा है, अगर आप मंत्री बन जाओगे वो पद भी छोटा है, खाप का प्रधान का पद मैं सबसे बड़ा मानता हूँ। और आप एक इतने बड़े पद को उद्धव पर बैठ के यो काम करो हो तो छोटे जो बालक हैं उन पर थोड़ा गलत असर जाता है, खाप के प्रधान ये काम अच्छे को लाग देना और क्या सोचेंगे भाई साहब इस बात ने, आने वाले समय उनके लिए थोड़ा दुखदायी रहेगा। भाई देखो मारी नज़र में भाई ने गलत काम करया, एक बार मारे काना में भी नू काट देना ना भाई सुंदर नू नू बात हो रही है भाई यह बात है तो नू नहीं हम भी भाई ने कोई बात बता दे छोटे हाँ कोई बात कोने में इतना ज्ञान कोनी हम भी कई बार दो चार भाई तोर मिलाए भाई के लिए नू नू बात हो रही है कई बार समस्या का समाधान आ जाओ नू नहीं भाई मार दो आप रातों रात फोन कर दे हम आपके साथ खड़े हो जाते सारे काम कर दे और बने पूछी मारते हैं अरे एकदम उस सरकार में जा मिले दुख को नहीं हो भाई मारम कमी तो कौन थी कुछ भी। ये अगर बात चली पड़ी तो फिर राजनीति फिलहाल सक्रिय काफ़ी हैं, सारे हरियाणा के नेता सभी पार्टियां ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे कल चुनाव होने हैं तो फिर राजनीति अछूता रहे पहलवान साहब यहां तो ये तो नाइंसाफी होगी। तो पहलवान साहब
सबसे पहले तो हम समीर सोमवान को लेकर बातचीत करते हैं। वो किसानों के आपके साथ बैठे रहे 13 महीने तक, उन्होंने फाइट किया आपके साथ, और कहीं ना कहीं वो बॉर्डरों पे भी नज़र आए, हर टोल नाके पे भाषण देते नज़र आए, तो कहीं ना कहीं दोबारा से बीजेपी में जाके बीजेपी को दोबारा से समर्थन देखे, क्या आपकी नज़र में सही किया उन्होंने या फिर कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि गलत किया है? ये बिल्कुल गलत किया है सोमवीर सांगवान ने, और मेरी एक अपील है सांगवान खाप से, अगर ये बीजेपी में चला गया है तो अब इसका खाप में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसको प्रधान पद से हटाया जाए। मेरे पास भी कई भाइयों के आवा सुझाव, अगर भाई ये तो बीजेपी में चला गया खाप का प्रधान तारा, जो किसान आंदोलन ने समर्पित कर रखी थी जो खाप, इस खाप ने इतने अच्छे अच्छे काम करे हैं, सांगवान खाप का नाम पूरे देश में है भाई साहब, हर आदमी इस खाप ने जाना है और बढ़िया खाप है, तो मेरे ख्याल में भी इसका खाप में रहने का कोई अधिकार नहीं, इसने चेयरमैन या मंत्री बना दे, बीजेपी वाले बना देंगे, खाप में इसका कोई अधिकार नहीं रहना चाहिए, वैसे आपके खाप है, आप निर्णय खुद ले इसको। तो बलवंत सर चलो मान लेते हैं आपकी बातचीत, तो चलो समीर सोमवान की तो बातचीत हो गई, आपकी बातचीत कर लेते हैं, आप पूरे हरियाणा में जाते हैं, कहीं कुश्ती दंगल करवाते हैं, कभी खेलों में खिलाड़ियों के साथ, कहीं धरना प्रदर्शन में, पूरे हरियाणा में अक्सर दिखाई देते हो आप, तो आप भी कुछ पार्टी में सक्रिय हैं, तो आप ही एमएलए बनने की कुछ इच्छा है जाहिर है, या हमें आम आदमी पार्टी अच्छी लगती है उसमें जाएं, या फिर कांग्रेस के साथ जाएं, या बीजेपी के साथ जाएं, या फिर कोई अन्य पार्टी, या फिर फौजियों की पार्टी है नई बनी है जनता ब्रिगेड पार्टी, अब की बार फौजी सरकार, तो उनके साथ जाएं, तो क्या सोचा है, मतलब कुछ आपका भी ऐसा कोई रुझान लग रहा है, और अगर लग रहा है, अगर नहीं भी लग रहा तो एक बातचीत और पूछ लेता हूँ, इनमें सबसे अच्छी पार्टी कौन सी लगती है आपको, अगर ना भी जाएंगे भाई? मैं बताता हूँ आपको सबसे अच्छी पार्टी कौन सी है, सबसे अच्छी पार्टी है भाईचारा पार्टी, मैं अपने भाईचारे के साथ रहना पसंद करूँगा, ना कि नेता लोगों के पास। भाईचारा पार्टी बनाएंगे फिर पूरा हरियाणा की? अगर समय आए तो नहीं, एक बात बताऊँ लामा साहब के है, अपना भाईचारा ठीक है साहब किताब का है, आज तक मैंने मेरा भाईचारा कितने एक मंच में इकट्ठा नहीं किया है, ये सच्चाई है, जिस दिन यह मन में आगे बात तक मैंने आज मेरा भाईचारा इकट्ठा करके दिखाना है उस दिन दिखा देंगे, तक मेरे भाईचारे में कितनी ताकत है, इस सरकार ने भी दिख जाएगा, जो भी विपक्ष में सरकार बैठी है उन्हें भी पता चल जाएगा। दूसरी बात, मेरा भाईचारा या पीछे की भीड़ नहीं पाओगी, जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे दिल के भाई जुड़ रहे हैं, और बस मन सबसे बड़े मेरा भाईचारा है, ये राजनीति है भाई, कोई कितने एक बात बता लो मैं सब, पहले हम तो बीजेपी में पाऊँ हैं, फिर ये कांग्रेस में पाऊँ से, फिर ये इनलो में पाऊँ से, फिर ये करा कौन सी पार्टी में पाऊँ है, इनका खुद का स्टैंड है, अरे कितने तरह होते एक जगह तो रह लो, आपके बयानी में भी देखे होंगे सर, कितने जो बड़े बड़े चौधरी बन रहे हैं वो तीसरे दिन पार्टी बदलते हंड हैं, क्यों बदलते हंड है हमें, सिर्फ कुर्सी का लालच उनको, हमने कुर्सी चाहिए उन्हें, नू नहीं, अरे भाई कि मैं समाज खातर काम भी कर लो है, जो 36 समाज का भाईचारा है उसका खातर काम करना चाहिए, कुर्सी तो इसलिए होती है, अगर इन नू दिखा ना सरकार तो यूं क्या होगी, तो उनके टट्टे रोड़ आ जाएंगे, उन क्या होगी तो उनके रोड़ आ जाए, क्यों जाए काम कर लो, तारा खुद का वजूद बना लो, एक जगह रहो, उड़े तो जीती जाओ, काम करोगे तो जीतोगे ना, पर ये तो इनमें कमी रहो, काम करें कौन ही, दूसरी पार्टी का सारा ले जाएंगे उनकी आश का काली, ये दल बदरू लेता है इनका भी थोड़ा हिसाब किताब, हाँ अब की बात जनता करेगी, बिल्कुल होगा भाई, देख पंजाब में होया तो है ना, तो कितने बड़े बड़े चेहरे आ रहे जिनकी सोच भी नहीं थी कि हार जाएंगे, वो पंजाब वाले ने गो दिए, अरे हरियाणा प्रधान आड़ तो हिसाब किताब तसलीते लिया जा है, चाहे कोई सी पार्टी हो जिन्हें गलत कराया हरियाणा के साथ उनने गलत परिणाम 0 पाया है उनका, वोट को नहीं पाऊँ ढोल में 0 पाया है। हेलमान साहब पिछले कई दिन से देख रहे हैं आपकी वो जैसे फेसबुक यूट्यूब सबकी रीच रोक रखी है, और हमने भी खबर चलाई साहब कभी का हमारा भी 50% रीच रोक दी, तो सरकार डरी हुई है, सरकार आपकी आवाज़ दूर तक जाने नहीं देना चाहती, या फिर सरकार के लिए सरदर्द बन चुकी? भाई साहब एक बात बताओ, सरकार के लिए सरदर्द जब मेरी आईडी की रीच रोक दी, आपका इतना बड़ा चैनल है, आपने शायद मेरी वीडियो चला दी थी करा, आपकी भी रीच रोक दी, तो ये तो आप लगा लो ना बात का सर होने लग रहे, तो आप बड़े सरदर्द बन चुके हो सरकार के, अरे सरदर्द बन रहे हैं जब भी, तो अपनी ये रीच रोक करने लग रहे, आपके चैनल की रीच रोक दी क्यों, इन्हें नू बेरा है, सच्ची बात कह दी है,
सच्ची बात कह दे तो सरकार के खिलाफ पद में बात कह है, इन्हें नू नहीं पता कि ये जो तारी सरकार के वोट गिरे थे, मन बीजेपी सरकार के वोट गिरे थे, इन तक खिलाफ क्यों है हम ही? अरे काम खिलाफ पताड़े कर दिए इविन न बोलना। हाँ तो सुबह देखो नहीं मेरे पास बीजेपी के आदमी फोन आई लंबा भाई साहब। अच्छा तो नू बोले भाई सुंदर कोई बात को नहीं, तू टेंशन ना मन, आप और हम बीजेपी राब है मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगे। भिवानी से एक भाई का फोन आया जो नेता बन रहा है, माँ भाई तारे गिल्ला चुनाव लड़ूंगा मैं, जिंदगी मैंने साथ पूछता नहीं आई बात करके जावा जानते जानते भी अपने भाई इसी सरकार थी नहीं इस सरकार थी वोट गिर देख लिए। अच्छा भिवानी में मैडम किरण चौधरी थी वोट देगी देख लिए, होया कि आप भिवानी में जाके देखो क्या हो रहा है, जगह जगह खड्डे, ईब 400-500 करोड़ का घोटाला और भिवानी मोरे आपको पता होगा। लेकिन वहाँ घनश्याम शराब किसका नेता, तीन 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 योजना उसकी, किरण चौधरी तो चेयरमैन किसका है जी, बीजेपी का एमएलए जी, बीजेपी का सांसद भी बीजेपी का, घोटाला कितना हो रहा है, 500 करोड़ तो हो ही चुका, उससे ज्यादा भी हो सकता है। 500 करोड़ के घोटाले करेंगे, अरे शहर में शिविर कौन ने, हर जगह रोड फुटा पड़ा है, कोई संभाले को नहीं, तो ये घपलेंगी सरकार होना लगी। 500 करोड़ का देखो, कोई किसी तक गलती मानने लग रहा है, कोई किसी तक कोई नुका है, मैं अगर मेरे में कमी पा जाए तो मैंने सर पर हाँसी गेट की मैं कर दी मेरा करनाल सिटी में घोटाला हो गया, तो भिवानी है दो ढाई करोड़ का, वो DDP वो एक अधिकारी कौन था वो अभी गिरफ्तार हुआ है करनाल सिटी में, सीएम हाउस के बिल्कुल बगल में, घोटाले होने लग रहे हैं भाई। अरे बारडा में 2 करोड़ का बड़ा घोटाला हो चुका है, वीडियो के फर्जी साइन करके, वीडियो भादरगढ़ है ड्यूटी 4 महीने पहले बदली हो चुका, उसके फर्जी साइन साइन करके अभी पैसे निकाले। बारडा में कौन है विधायक वहाँ भी बीजेपी तो सही है, ये लग रहे हैं बड़ा काम समेट लो तो सरकार को डर है कभी दोबारा तो सरकार ना आए जो हरियाणा में सरकार को नहीं आ सकती, फिर ये जब ही समेट रहे। अरे भाई लांबा साहब आपने बेरा नहीं तो ये गपले को करूँ लग रहे हैं, अगर ये नुकम है, अगर बीजेपी पार्टी ऐसी पार्टी है जो निष्पक्ष काम करती है तो नहीं, वादा करके भी आई थी ना भाई, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा। आप भिवानी मजाक ही देखो भाई साहब, 400-500 करोड़ का घोटाला दिखा रहे हैं और रोज पत्रकार उड़ा हुए हैं, कोई चोर चेयरमैन ने कहा है, कोई किसी ने कहा है, कोई किसी के ऊपर बात गिर दे है, सरकार तो इनने की है, चेयरमैन इनका, MLA इनका, अच्छा BDC चेयरमैन है वो इनका, अरे भाई सांसद दिन का, अरे घोटाला भी इसी सरकार में लगे तो किसी ने कहा आप। चलो पहलवान साहब, आंदोलन के लेकर बात कर रहा है कि दोबारा से सक्रिय हैं, कल के अथल के तो बहुत बड़ी महापंचायत की है, सरकार ने वादा किया था टिकरी बॉर्डर, सिंगो बॉर्डर, डासा बॉर्डर, सब जगह बैठे रहे 13-14 महीने, सब कुछ झेला सरकार ने कुछ समय के लिए, चुनाव आए UP पंजाब और ये 2-4 स्टेट में, तो उन्होंने थोड़ा लैप्स कर दिया, उस समय सरकार बैकफुट पे चली गई और आपसे बड़े बड़े वादे भी किए थे, तो ना तो कोई हम इस पर कानून का अब तो कोई जिक्र हुआ, ना कोई आपका कोई कानून बना, ना कोई आपकी गारंटी आई, ना कोई आपकी कुछ नहीं, वो जो कि तू और ना कोई सरकार की तरफ से किसी नेता का, बड़े नेता का, कृषि मंत्री का, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी का कोई बयान नहीं आया उसको लेके, तो क्या लगता दोबारा सक्रिय? कहने का मतलब कि सारी बात ठंडे अवस्था में गिर दी। देखो भाई आंदोलन की बात इसी है, जो हमारे बड़े हैं वो जिस तरह चलाओगे हम उसी तरह चलाएंगे। क्या दोबारा खड़ा हो सकता है आंदोलन वो पहले जैसे? बिल्कुल, इतना जोश देखो बिल्कुल। और मैं आपने एक बात और बता दूं, वो तो वही होगा, अगर खिलाड़ियों की बात नहीं मानी गई ना तो ये भी बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है भाई साहब, आपको पहले बताता हूँ, सरकार को मैं सूचित करना चाहता हूँ ये बात, क्यों खिलाड़ी किसी को मजहब धर्म के नहीं होते, वो खिलाड़ी देश के होते हैं, मेडल लेते हैं देश के लिए लाते हैं, वहाँ पर ना जब मेडल लेता खिलाड़ी तो तिरंगा सबसे ऊँचे चलता है, तो ये हमारे लिए सबसे ऊँचे हैं भाई खिलाड़ी। किसान पंजाब का क्या रुख रहेगा आप, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार आ गई, ना BJP ना कांग्रेस, तो क्या पंजाब दोबारा से भाईचारा निभाएगा यहाँ पे आके, या फिर पंजाब बैकफुट या फिर हरियाणा फ्रंट पर? आप एक बात बताओ, ये तो बात मैं समझ गया ना, हरियाणा की और पंजाब की बात है, सक्रिय आंदोलन कहाँ कहाँ था? हरियाणा और पंजाब ने थोड़ा हा नरमाई रही पंजाब में, तो हरियाणा में तो ऐसा काम रहा है भाई साहब, सबसे ज़्यादा दंगे हरियाणा में हुए हैं, लड़ाई झगड़े हरियाणा में हुए हैं, सबसे ज़्यादा मतलब तेज हरियाणा में रहा है आंदोलन, जब CM के हेलीकॉप्टर ऊपर के ऊपर रहे हैं, नीचे न्यूत्रण दिया,
तो कितना तेज आंदोलन होगा। नहीं तो अभी दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम तो वहाँ भी बगावत देखने को मिली, बोतल जूते चप्पल डंडे पता नहीं क्या क्या वो कैमरे में नजर आ रही थी, दुष्यंत चौटाला को मार रहे थे जैसे, हाँ वो एक दो बॉडीगार्ड ने रोकी है जैसे, हमने वो कैमरे में देख रहे थे, एक दुष्यंत चौटाला को एक दो बोतल जैसे, फिर वहाँ से प्रोग्राम जल्दी। ये क्यों मार रहे हैं आपको पता है ना, तो ये वही दुष्यंत चौटाला था जिसने पब्लिक सर पर बैठाई झंडा थी, मारा दुष्यंत आ गया। ये क्या हुआ, ये पब्लिक है भाई, ये 2022 आ चुका है, जनता सब जानती है, हर बात रिकॉर्डिंग होती है, पहले आदमी कह जाया कर दे वह बात सुनिया ना कर दे। अब नू नहीं कहा है भले भाई जमुना पार, वो बात रिकॉर्डिंग में चलना बार बार, तो मैं तैयारी कर ली जनता ने। हाँ हाँ भाई, अथेली पर थूक के नीचा टहर दे जिस जो कि मैं कि किसी खतर करे न भाई, किसी खतर को काम आवन है तो उसका भाई दूना करके देना चाहिए इंसान ने। पब्लिक ने आपकी वोट दी थी, सीट आई है आपकी, और बीजेपी के विरोध में वोट गए रही लोगों ने, ना तो इसका कोई रुझान नहीं कौन था किसी प्रकार का भी। और फिर उससे सरकार में जा मिला, उसी सरकार ने ये काले ये जो कानून थे वो कर दिए, ये आंदोलन होया, अरे उड़े बैठा रहा बलक ने भाई साहब के नाम है अजय चौटाला ने दिया बात भी कही थी, अग बोले ये कानून वापिस नहीं होते, इनमें संशोधन होता है, तो ये वापिस भी हो गए। नहीं अजय चौटाला ने तो बीमारी भी बताया आप लोगों को, हैं बीमारी भी तो बोला है आप लोगों को, हमको किसानों को भाई मैं ऐसी बात कह दूँ लंबा साहब है, बहुत कड़ी बात लग जाएगी, फिर बीमारी मैं कैमरे साल कहना कौन सा घनी कर डी कह दूंगा बीमारी। हाँ बेब अब बीमारी दिखते हैं भाई, क्यों बोट ले गए ना, बोट ले गए मारते ये बीमारी है, तो ये पब्लिक है ये बताओगा कौन है बीमारी, बोट लेने जाओगे ना लोगों का अर्थ उड़ जाओगे, ये खुशड़े बताओ आप पे मारा इनका तो फिर खुशड़े क्यों लग गए इनका, ये तो इनकी बात खराब कर रहे हैं। वोट लेने जाओगे ना जब तो पैम मारेंगे डाई सीधी, और फिर सरकार आ जाए फिर ये बीमारी बताने लग जाए पब्लिक ने, जब भी इनके खुशड़े लग गए हैं। अच्छा काम है बीमारी बताओ और खुशड़े खाओ तो हमारे साथ सुंदर पहलवान बने हुए हैं, और पहलवान सबसे चलते चलते दो बातें चीत और करूँगा क्योंकि बहुत ज़रूरी हैं, कई लोगों को फ़ोन भी आते हैं ना। तो जाट आंदोलन अब तक जो गिरफ्तार हुए थे उनकी कोई पैरवी हुई, लगभग 1000 के आसपास केस पेंडिंग पड़े हैं, लोग चक्कर काट रहे हैं जेलों के और अंदर पड़े हैं, ना तो वो छूटे ना 50,000 के समथिंग केस हरियाणा के लोगों पर लगाए गए थे इस किसान आंदोलन में, उनका अब तक कोई नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत शुरुआत में आपने जब सरकार ने एक दो बातें बोली तो आप खड़े हुए थे, उस समय थोड़े बहुत केस वापस हो, तो उसके बाद वो सब कुछ पेंडिंग पड़ा है, तो क्या ये पेंडिंग मेरा क्यों पड़ा है, ये हमारे जाट आंदोलन की बात कर रहे हो आप? नहीं अभी तो किसान आंदोलन जो 50,000 के समथिंग केस थे आपके वो अभी रिटर्न नहीं किया सरकार ने, ये जो अपने जो ये पदले ही बैठे हैं ना अपने जो बड़े नेता हैं ये काम अब उन करेगा भाई, मेरे पास ना है तो कोई पद, मैं एक आम किसान हूँ, लड़ाई लड़ता रहा हूँ और लड़ाई लड़ता रहूँगा। लेकिन आपकी बात ऊपर तक जाती है तो उन नेताओं को क्या करना चाहिए? नहीं सब सुनते हैं पहलवान साहब, इसलिए हम बार बार आपके पास आते हैं बातचीत करते हैं। अभी जो केस पेंडिंग पड़े हैं तो क्या रिएक्शन होना चाहिए, क्या करना चाहिए? अभी जो किसान सुन रहे हैं देख रहे हैं जो बेचारे वो सोच रहे थे भाई हो जाएगा केस वापस अब तक, अगर आप मेरी सच्चाई सुनना चाहो मेरी तो यह तमन्ना है भाई, जितने भी किसान आंदोलन में ये अपने शहीद हुए हैं और संयुक्त किसान मोर्चे के पास जितना चंदा आया है वो बांट देना चाहिए, जितने भी मुकदमे हैं सब बाहर होने चाहिए, सारा खर्चा इन्हें उठाना चाहिए। मानो है बात, एक लड़का है जींद साइड का, वो बिल्कुल तबीयत तो उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, संयुक्त किसान मोर्चे के पास कितना रुपया है, उस लड़के की मदद नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं करते फिर? कि सरकार ने पैसा दिया है, आम आदमी ने पैसा दिया इनको, आम आदमी पैसा फिर, अरे भाई साहब ये तो दिक्कत रहा है अपना में, जाट आंदोलन था कितना समाज ने पैसा दिया, मेरे गांव के 6-7 बालक हैं जिन्हें अब जमानत करवाई है, खुद के पैसे थे वहाँ पैसा, यशपाल मलिक पार पर लग रहा है 250 करोड़ रुपये लेके चले गए। अरे ये तो दिक्कत बन रही है, वो यशपाल मलिक था, एक समवीर सांगवान हो गया,
भाई हम मारा क्यों हाँ, हमने तो मतलब मारा क्यों, मरा क्यों हाँ, हमने अपने ही मारा है। जयचंद जो चंद बैठे जयचंद ये तो हमारा काम कर देते हैं। जाट आंदोलन को छोटा आंदोलन था, समाज ने इतना रुपया दे था बेशुमार, और रुपया इसलिए था ताकि हमारे जो जाट आंदोलन में जो बालक भीतर गए हैं उनकी पैरवी करो, उनका घर में बांट दो रुपये, क्या करेंगे भाई, क्या करना उन रुपया का, समाज ने रुपये दिए हैं लंबा साहब सुनो मेरी बात, उन लड़कों के दे दिए हैं, उनकी पैरवाई करो ताकि हमारे भाई के और आगत दूनी तक तक खड़े हुए। वो पैसे तो कह रहे हैं कि इस पर मिले लेके चले गए, आरोप लगा रहे, हेलीकॉप्टर में आता था, हेलीकॉप्टर से वो जाता था नीचे, कभी गाड़ी से आए नहीं, वो कई तरह के उनके आरोप लगे हैं जो आपका पैसा। ये कुछ हमारे हरियाणा वाले की भी कमी रहा है, हमारे बाहर के आदमी ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं, हम वो नुनगार बोला ओके कार बोला बाहर का जो कि मारा के कार मतलब भूल गया भाई कि महाराज जोगी जोगना बार का जोगी सिद्ध, ये काम है भाई, हम बाहर आने इतनी ताकत दे देंगे वो हो, ये तो कराके है अपना हरियाणा मत है किसी नू ना कहा चौधरी बनेगा, बाहर क्या चौधरी बना लिया, खुद की ताकत भूल गया, ये तो कमी है। और फिर कुछ नहीं ये भी है, कुछ अपने ही इंसान हैं जो हमारे समाज के भाई हैं, वह जयचंद मंड जय हमारी काट करें सोमवीर सांगवान बदली लोग बेरा की कहें नोलिया भाई इसका तो पहले तय बेरा था, ये बीजेपी सरकार की रिपोर्ट लेके आ रहा अरनू पूछ अरदा भाई बताओ मेरे तो ऋषि जी भाई हैं कि कहीं कि फोन आओ बताओ मृति अगर इस पर तो पहले दे सकता इब हमने तो शक कौन था इबनू बताओ उस इंसान का क्या किया जाए, मतलब ये बात हो है। अब ये बात सांगवान खाप ने देखनी चाहिए अख भाई इस आदमी ने ऐसा काम किया है, ये उसके साथ गया क्यों, कहता अगर वो काम करना था तो अपना समाज ने इकट्ठा करे सांगवान खाप ने इकट्ठी करे मेरे गले नू नू बात करे भाई सर इकट्ठा ऊँ भी तो कतलाना टोल पति सर दिन इकट्ठे कर अर्दा इब कर ले भाई बताओ भाई डिमांड भाई मैं तारा साथ हूँ मेरे गले आदि विधा है मेरा क्या करोगे तुम्हें बताओ ना तो फिर मैं बीजेपी सरकार में जाऊँगा, अगर हाँ नु कह दे भाई तू जा तो जा भाई अच्छी बात थी भाई, समाज ने यार भाई साहब सारा काम करे उस खातर। तो पहलवान साहब ना केस वापिस ना को हम इस पर अब तक कोई जिक्र ना कोई कानून गारंटी ना कोई वारंटी और ना कोई अब तक कुछ आपका जुगाड़ बना ना जाट आंदोलन के लोग छुटे और ना संयुक्त मोर्चा के पैसे की बातचीत की, संयुक्त मोर्चा के पास अरबों रुपए इकट्ठे हुए हैं लेकिन किसी का अब तक कोई किसी के पास हिसाब ही नहीं है हरियाणा के लोगों के पास, तो बेरा के हैं अपना हरियाणा है ये के हैं इनके बेचारे गए आत्मा खोट को नहीं ये भरोसा जल्दी कर ले हैं। और अपना हरियाणा के है जिस तरह पंजाब का था वह दो साल तक लगातार आंदोलन चला सके थे, अपना के कर रहे हैं अपना तो अपना आंदोलन हो 10 मिनट का 10 मिनट मार पार यो हरियाणा ये बिट्स की राज्य को नहीं कई बार थी ये तो हाँ के बात है ये है के तो तुर के मैं अपना यो आंदोलन है हरियाणा की माटी अलग थोड़ा फर्क पड़ रहा है भाई बात में अपना हरियाणा 13-14 महीने बैठ नहीं सकते वो अपना तो भाई को नहीं बैठे इतने वो तो दड़ आप एक बात बताओ पंजाब ना हरियाणा लेने कौन था सारे बैठ के हरियाणा थोड़े हैं अपने भाई अगर सारा सुधम अपने भाई आगे पंजाब आड़ आ गया इतने की भी कमी कौन रहने दिया हरियाणा ने दूध दी दही घी लाशी सब कुछ वगैरह वगैरह टेंट पेंट ना तो पंजाब एक लाख कर ले भाई हमारा बड़ा भाई है पंजाब हरियाणा छोटा भाई है दोनों भाइयों रल मिल के आंदोलन जीता अच्छे लागे आज देखो बीजेपी की क्या हालत कर दी पंजाब में है अरे यो काम हरियाणा में होने वाला है आड़ भी यो काम होगा तो सब चलते चलते क्या होगी लास्ट में जनता जनार्दन को सरकार को भाई सरकार को तो मैं ये बात करना चाहूँगा ये जो खेल कोटा बंद किया है इसको भाई वापस लागू करो 3% था तुमने तो 3% भी खत्म करके 0 पे ला दिया 3 पे हम 6 अगर ज़्यादा आंदोलन चल लगा तो ये और भी बढ़ता चल लगा तो इस बात का ध्यान रखो खिलाड़ी देश की शान होते हैं और दूसरी बात अच्छे काम करोगे तो अच्छे को आओगे और भाई इस तरह के काम करोगे पहले किसाना की नज़र हम जालिए थे अब खिलाड़ियों की नज़र हम जालोगे तो जयराम जी हो जाएगी सारे अंदर तो धन्यवाद पहलवान साहब बातचीत के लिए राम राम भाई तो हमारे साथ ये सुंदर पहलवान बने थे खास बातचीत में कोई बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है अक्स खिलाड़ियों को 3% वो तो वापस किया जाए इसके साथ साथ 3% और देना वादा किया था सरकार ने 6% करने का अगर नहीं हुआ तो आने वाले समय बड़ा मुश्किल भरा हो सकता है सरकार का क्योंकि किसान आंदोलन की तरह ये आंदोलन काफ़ी बड़ा हो सकता है और इसके साथ बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी प्लेयर देखने को मिल सकते हैं आंदोलन में जिस तरीके से 2-4 रोज़ पहले एक बहुत बड़ा एक
रोड शो निकाला था विजेंदर बॉक्सर सुंदर पहलवान ने, उनके साथ सैकड़ों की संख्या में और पूरा भिवानी आसपास के गांव एक दो डिस्ट्रिक्ट साथ थे, काफ़ी बड़ा एक जलसा था। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।